कि हमने एडीसी में बिल क्यों नहीं पास किया ग्रेटर पीपल लैंड का। नाउ सबसे पहले मैं जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं, समझते नहीं हैं, वो लोग ही ये बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू पास अ बिल ऑन सेपरेट स्टेटहुड। द स्टेट असेंबली ऑल्सो के नॉट पास अ बिल ऑन सेपरेट स्टेटहुड। दैट पावर इज ओनली इन द पार्लियामेंट। हम लोग रेजोल्यूशन भेज सकते हैं, जो हमने रेजोल्यूशन एनी वे हमने पास किया है, लेकिन हम कोई बिल पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं दिया। अब ये बात मैं जानता हूँ, हमारे एमडीसी जानते हैं, बीजेपी में भी बहुत लीडर्स हैं जो ये बात जानते हैं। दुख का का सेशन में हम लोग ने ग्रेटर पीपलालैंड का बिल को पास किया है। ये बिल गवर्नर के पास जाएगा और यहां में मीडिया है, मीडिया भी एक मैसेज पूरा पूरा इंडिया को भेजेगा कि जब तिप्रा मोथा पावर में आया तो उन्होंने मंत्री के लिए बात नहीं किया, उन्होंने एमपी के लिए बात नहीं किया, वो लोग तिप्रा दोहा के लिए बात किया। इसके लिए पहला सेशन में ग्रेटर तिप्रा लैंड का बिल पास हुआ। लेकिन और एक अच्छा बात सुनो, आज जब ये बिल पास हुआ तो बीजेपी जो विपक्ष में है उसने विरोध नहीं किया, चुप रहा, मतलब अनपोस्ट। बीजेपी ने ग्रेटर पीपलैंड के विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोला। ये बिल जो पास